नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सूचियां आ गई हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, वहीं बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट, 83 नामों की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। और इसी के बाद अब लगातार राजस्थान की राजनीति में इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं कि किनको टिकट दिया गया है, किनका टिकट काटा गया है, कौन से मंत्री को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से, कौन से विधायक का टिकट कटा है, बीजेपी के 83 नामों की सूची में कौन से बड़े नाम हैं, कौन से नए नाम हैं, कौन से युवा हैं, किन महिलाओं को टिकट मिला है, इन्हीं सब के ऊपर लगातार चर्चा इस वक्त तेज है। हमारे साथ भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, बाल वीरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। सोमू आनंद जुड़े हुए हैं, शाकिर अली भी हमारे साथ हैं। शाकिर के पास सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं। शाकिर, सूची आने के बाद निश्चित रूप से क्षेत्र के अंदर इस वक्त चर्चाएं बहुत तेज हो गई होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई होंगी, तमाम कार्यकर्ताओं को बेचैनी थी किन का नाम सूची में आएगा, किन लोगों को टिकट मिलेगा। अब वो क्लियर हो गया है, पहली सूची में कांग्रेस की और दूसरी बीजेपी की भी आ गई है। आप कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, जरा उनसे बात कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ उनके मन में पहले सवाल थे और अब सूची आने के बाद क्या उन सवालों के उत्तर उनको मिल गए या फिर और नए सवाल इस सूची में पैदा हो गए। जी बिल्कुल, मैं जो है कोटा दक्षिण विधानसभा में हूँ और संदीप शर्मा को यहाँ से एक बार फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ताओं में जश्न का आई है, उसके बाद से ही उसके कार्यालय पर यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग यहाँ पर आतिशबाजी का स्वागत कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करता हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, संदीप शर्मा को फिर से टिकट मिल गया, कैसा लग रहा है आप? संदीप जी शर्मा का टिकट मिलते हैं बहुत खुशी है, क्योंकि संदीप जी ऐसे विधायक है जो जनता के बीच हमेशा रहते और सबसे सहज सरल, और तीसरी बार जो विधायक बनने जा रहे भाई साहब बिल्कुल बेदाग विधायक कोटा दक्षिण के, और हमें ऐसा हमें गर्व है संदीप जी शर्मा पे, ऐसा जनप्रतिनिधि हमें हमेशा ही चाहिए। संदीप जी शर्मा जिंदाबाद। क्या चुनाव के मुद्दे ये क्या है? संदीप जी पहले भी यहाँ से एमएलए थे लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, अब एक बार फिर मौका दिया है पार्टी ने। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय कोटा दक्षिण के लाडले, जन जन के लाडले विधायक आदरणीय संदीप शर्मा जी को तीसरी बार मौका दिया है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है। मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोटा दक्षिण के लाडले विधायक ऐसे सरल और सच्चा विधायक है जो हमेशा आम जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं, और इस बार कोटा दक्षिण के लाडले विधायक 50,000 वोटों से जीत दर्ज करके जयपुर से मंत्री जी बनकर आएंगे। ये हमारी पूरी कोटा की जनता, कोटा दक्षिण की जनता, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। ढोल यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और संदीप शर्मा कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं किस तरह से जो ये यहाँ पर जश्न का माहौल है, और जश्न इस बात का है क्योंकि संदीप शर्मा तीसरी बार जो है पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोटा दक्षिण जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में एक बार फिर संदीप शर्मा को कमान सौंपी है। साल 2014 में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जो है सांसद का चुनाव लड़े थे, तब उपचुनाव यहाँ पर कोटा दक्षिण पर हुआ था और संदीप शर्मा ने पहला जो चुनाव था वो उपचुनाव जीता था। उसके बाद दोबारा पार्टी ने उनको कमान सौंपी और वो दूसरी बार भी जो है जीत करके विधानसभा पहुंचे। अब ये तीसरा मौका है जब संदीप शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। उनके कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो किस तरह से जश्न बना रहे हैं, जो क्षेत्र के जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और संदीप शर्मा को शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर बाद संदीप शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद थी टिकट को लेकर के? बिल्कुल, जब पार्टी ने आज जो टिकट वितरण किया है इसमें हमें बहुत खुशी है और पार्टी ने एक नेता ने एक जन सेवक को टिकट देकर तो जश्न जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से संदीप शर्मा जो है उनको प्रत्याशी बनाया। हाड़ोती की हम बात कर ले तो कोटा की सांगोद जो विधानसभा सीट है वहां से भी जो है वापस से हीरालाल नागर पर विश्वास जताया गया है, हीरालाल नागर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा झालावाड़ की चारों सीटें जो है उस पर भी
बीजेपी की जो सीटें है उस पर भी घोषणा कर दी गई है। वसुंधरा राजे जो है वहां से फिर से चुनाव लड़ेंगी, और इसके अलावा जो मौजूदा तीन और विधायक हैं उन तीनों विधायकों को भी जो है वापस से पार्टी ने कमान सौंपी है। तो जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की लिस्ट का, लिस्ट आने के बाद अब कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है, और जो प्रत्याशी घोषित किए गए कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जी